बहरहाल इसके बाद हुआ ये कि जब दामाद जो है सुल्तान मोहम्मद साहब उनकी वफात नहीं हुई तो मौलवियों ने ईसाइयों ने बड़ा शोर डाला। तब हजूर अनवर ने एक जो है वो इश्तहार जारी फरमाया 1894 में, अक्टूबर 1894 का था लेकिन डेट गलती से सितंबर लिखी गई थी, दोनों उसकी उस वहीं पे इस तसीह भी कर दी थी। हजूर फरमाते हैं उसमें, लेकिन उसका दामाद जो 2.5 साल के अंदर फौत ना हुआ तो उसकी यही वजह थी जो इस इबरतनाक वाक्य के बाद। कौन सा इबरतनाक वाक्य? ये जो हम बयान कर चुके हैं कि अहमद बेग साहब वफात पा, मैं उसको निकाल ही लेता हूं ताकि वो अच्छा इसके ऊपर है, चले कोई बात नहीं, आप लोगों को पता ही है अहमद बेग साहब फौत हुए 30 सितंबर 1892 को। जरूर फरमाते हैं उस इबरतनाक वाक्य के बाद जो अहमद बेग उसके खुसर की वफात थी, एक शदीद खौफ और हुज्न उनके दिल पर वारद हो गया। अच्छा जरूर फरमाते हैं उस इबरतनाक वाक्य के बाद जो अहमद बेग उसके खुसर की वफात थी, एक शदीद खौफ और हुज्न उनके दिल पर वारद हो गया। जरूर फरमाते हैं उस इबरतनाक वाक्य के बाद जो अहमद बेग उसके खुसर की वफात थी, एक शदीद खौफ और हुज्न उनके दिल पर वारद हो गया। और ना सिर्फ उसके दिल पर बल्कि उसके तमाम मुतअल्लिकीन को उस खौफ और हुज़न ने घेर लिया। और यह बात जाहिर है कि जब दो आदमी की मौत एक ही पेशगोई में बयान की गई हो और एक उनमें से मियाद के अंदर मर जाए तो वो जो दूसरा बाकी है उसकी भी कमर टूट जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि एक ही मौत के दोनों नीचे थे, बस जो जिंदा रह गया है वो जब ऐसी मौत को देखता है एक ऐसा जहका गम उसको पकड़ लेता है कि उसका अंदाजा करना मुश्किल है, यानी वो भी करीब करीब मैयत ही के होता है। बेशरम आदमी, यानी वो भी करीब करीब मैयत ही के होता है, यानी वो भी करीब करीब मैयत ही के होता है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, ज़ूफ फरमाते हैं सो एक दाना सोच सकता है कि अहमद बेग के मरने के बाद जिसकी मौत पेशगोई की एक जुज थी, दूसरी जुज वाले का क्या हाल हुआ होगा, गोया वो जीता ही मर गया होगा। दूसरी जुज वाले का क्या हाल हुआ होगा, गोया वो जीता ही मर गया होगा। दूसरी जुज वाले का क्या हाल हुआ होगा, गोया वो जीता ही मर गया होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा जी, अब एक और अहम बात, इश्तिहार की डेट देखिएगा, 27 अक्टूबर 1894। यहाँ पर जो मियाद बताई गई है उसकी डेट्स को बहुत गौर से देखिएगा। मोहम्मदी बेगम के वालिद की डेथ हुई जब अभी मोहम्मदी बेगम के निकाह को 6 माह हुए थे, और मैं समझती हूँ कि वो भी मकरू व मकर अल्लाह व अल्लाहु खैरुल माकिरीन के तहत था, क्योंकि जमात अहमदिया क्लेम करती है कि मोहम्मदी बेगम के वालिद की डेथ के बाद सुल्तान अहमद बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया, डर गया, क्योंकि बकौल उनके जब दो लोग एक ही प्लेट में खाना खा रहे हो और उस खाने में जहर हो और एक साथी की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे साथी पे मौत की हालत वारद हो जाती है। हम नहीं कहते, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कहते। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसा खूबसूरत मकर किया उनके साथ, उनकी चाल का जवाब कितना भरपूर दिया कि अहमद बेग साहब फौत हुए और सुल्तान साहब जो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक थे, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग इस बात में माने है कि कोई उनके सामने मरे और वो उससे खौफजदा हो जाए, क्योंकि हालत जंग में जब एक आर्मी का बंदा जाता है और उसके सामने गोलाबारी में उसके साथी शहीद हो रहे होते हैं तो उसको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि वो लोग मर भी रहे हो, सब कुछ तबाह हो जाए, मगर तुमने अपना मिशन अपने एम की तरफ नजर रखनी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो उसको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि वो लोग मर भी रहे हो, सब कुछ तबाह हो जाए, मगर तुमने अपना मिशन अपने एम की तरफ नजर रखनी,
डरना नहीं है, घबराना नहीं। अगर यह हालात वाइस वर्सा होते, अगर सुल्तान की डेथ होती, तो एन मुमकिन था कि अहमद बेग माफी तलाफी की तरफ जाता। एन मुमकिन था कि वो एक बुजुर्ग थे, कमजोर थे, शायद वो डर जाते। लेकिन आप अल्लाह की तदबीर देखिए कि उन्होंने डेथ की अहमद बेग की, कि सुल्तान तो वैसे ही एक मजबूत नौजवान है, एक कवी आर्मी का जवान है जिसके आसाब मजबूत हैं,